भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट ओरिजिन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट ओरिजिन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। आंखों में आंसू लिए अनिमेश ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो सच बता दीजिए दादाजी, आखिर यह सब कुछ क्या हुए जा रहा है? मेरी एक लौती बहन आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मौत के मुंह में चली गई। उसी कमरे में उसने अपने नर्व्स काट लिए और वही अपना दम तोड़ दिया। पर उसी कमरे में क्यों? आखिरकार क्या है उस कमरे में? क्या छुपा रहे हो आप? मेरी विनती है आपसे, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए प्लीज। रुद्र प्रताप एक गहरी सांस लेकर नम आंखों से अनिमेश और रुपेश की तरफ देखते हुए कहते हैं, शायद तुम्हें अब तक ये समझ आ चुका होगा कि मैं ही एक ऐसी कड़ी हूं जो इन सब अनहोनी का जिम्मेदार हूं। लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी कौन है तुम्हें पता है? वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता सूर्य प्रताप हैं। आज से करीब 28 साल पहले मैंने उसे लखनऊ में कारोबार के सिलसिले में भेजा था। कुछ महीने वहीं पे रुका था सूर्य, और जब वापस आया तो उसके साथ लखनऊ से ले आया चित्रलेखा को, बोला कि दोनों ने शादी कर ली है। बेहद खूबसूरत थी वो लड़की। खानदान के बारे में सूर्य ने बताया कि वो किसी पुरोहित की बेटी है। हाल ही में उसके पिता का देहांत हुआ है और तब ही हालात कुछ ऐसा हो गया था कि उन दोनों को मजबूरन शादी करनी पड़ी। मैंने उसे अपनी बहू का दर्जा दे दिया। कुछ महीनों बाद सूर्य प्रताप ने चित्रा के संगीत प्रेम को एक नया पहचान देने के लिए कुछ एल्बम बनाए। शास्त्रीय संगीत में ज्ञानी थी चित्रा। वक्त बीता और एक दिन पता चला कि चित्रा माँ बनने वाली है। कुल पुरोहित को पूजा करवाने बुलाया गया, पर तब ही एक ऐसा खुलासा हुआ जिसका मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अपने पिता का परिचय पूछने पर उसने उल्टे सीधे जवाब दिए। कुल पुरोहित जी को शक हुआ और मुझे भी। मुनीम जी को कहकर मैंने लखनऊ से चित्रा का असली परिचय जानने की कोशिश की थी। जब मुझे यह पता लगा कि वो लखनऊ की कोई तवायफ है, तो मैंने अपने बेटे से आमने सामने बात की, पर नतीजा ये निकला कि वो घर छोड़कर जाने को निर्णय ले लिया। मैंने झूठा नाटक करके उसे मना लिया और कहा कि मैं सब भूल जाऊंगा। अब चित्रा हमारे खानदान की बहू है और उसका होने वाला संतान इस घर का लौता वारिस। अगले कुछ दिनों में मैंने सूर्या को ग्वालियर भेज दिया और उसी रात डॉक्टर सुधांशु ने धोखे से नौकरानी के हाथों चित्रा को ऐसी गोली खिलाई जिससे वो बच्चा नहीं रहा। सुधांशु ने एक
ऐसा गलत रिपोर्ट बनवाया जिससे ये साबित हुआ कि चित्रा की कमजोरी की वजह से ही उसके बच्चे की मौत हुई है। 2-3 दिनों तक चित्रा से यह राज छुपी रही, पर फिर एक दिन मैं खुद उसके कमरे में जा पहुंचा। मैंने उसे एक और झूठी रिपोर्ट थमा दिया था जिस पे लिखा हुआ था कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैं चाहता था कि वो खुद ब खुद किसी तरह मेरी बातों में आ जाए। उसे घर से और सूर्या की जिंदगी से जाने का मुंह मांगी कीमत देने को मैं तैयार था, पर नहीं मानी वो। हमारी बहस कुछ इस हद तक बढ़ गई कि उसे मैंने धक्का दिया और वो दीवार से जा टकराई। मैंने तभी तुरंत वहां से फल काटने वाली छुरी को उठाकर उसके गर्दन पर चला दिया। खून के छींटे बचती हुई ग्रामोफोन के जगह जगह पे जा गिरी और उसके लाश को ठिकाने लगा दिया मैंने। इतना कहकर रुद्र प्रताप शांत हो गए। अनिमेश ने पल के उठाकर उनको नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आप इतने घटिया सोच रखते थे दादाजी, बिना कोई वजह के बस जात पात के नाम पे आपने उनको मार डाला, और उस मासूम को भी जो आपका शायद पहला वारिस होता। रुपेश ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सूर्य प्रताप जी ने आपके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, मैंने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। चित्रा किसी संगीतकार के साथ भाग गई है, ऐसा कहकर मैंने उससे छुटकारा पा लिया। सबूत के तौर पे मैंने कुछ गवाहों को भी पेश किया था उसके सामने। घर के कुछ नौकर जाकर गांव के कुछ लोग, जिससे उसे यकीन हो गया कि मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। आगे जाकर मैंने मायापुर के जमींदार की बेटी सुमित्रा से उसकी दोबारा शादी करवा दी। 2 साल बाद तुम पैदा हुए अनिमेश, और उसके कुछ सालों बाद राजन्या। बहुत खुश थे हम, पर उस खुशी को मानो किसी की नजर लग गई थी। किसी ना किसी तरह से तुम दो बच्चों पर विपदा का कहर बरसता रहा, जैसे कोई तुम दोनों की जान लेना चाहता हो। कई बार जब रात में चित्रा के बंद कमरे से ग्रामाफोन में अपने आप उसका गाना बजा करता था, हमें पता चल जाता था कि वो किसी मकसद से इस घर को छोड़कर नहीं गई है। वजह तो तब पता चला जब एक रात सुमित्रा उसी कमरे में मिली, गुनगुनाए जा रही थी और कुछ बोले जा रही थी। गौर किया तो सुनाई दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बेटा बहू पोता पोती सबको अपने साथ ले जाऊंगी, तब रहेगा तू अकेला इस वीरान हवेली में रुद्र प्रताप। औलाद खोने का दर्द तब समझ पाएगा तू। सुमित्रा अपना सर दीवार से पटकने लगी थी। किसी तरह उस रात सब संभाल कर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के एक निर्णय लिया था। अगले दिन सूर्या, सुमित्रा और तुम दोनों को
शहर पे रहने के लिए भेज दिया मैंने, लेकिन उस डायन ने मेरे बेटे और बहू को बीच रास्ते ही खत्म कर दिया। तुम दोनों को बचाने खातिर मैंने तुम्हें उसके बाद से यहां आने ही नहीं दिया। पर आज आप ही के मजबूरी का फायदा उठाकर चित्रलेखा देवी ने अनिमेश और राजन्या को यहां इस हवेली में बुला लिया। राजन्या की मौत एक हादसा या उसकी मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक कत्ल है। बदले की भावना से ही अब वो अनिमेश के खून की भी प्यासी बन चुकी होगी। रुपेश की बातों से रुद्र प्रताप टूट गए। वो वहां से दौड़ते हुए चित्रलेखा के कमरे में जा खड़े हुए। इधर उधर ताकते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते बिलखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मैं अपने गलतियों का स्वीकार करता हूं, मैं सारे जुर्म कबूल करता हूं। तुम चाहो तो मैं कानूनन सजा पाने के लिए भी तैयार हूं, पर तुमसे बस एक ही विनती है, मेरे आखिरी वारिस और मेरे बुढ़ापे का लाठी अनिमेश को मुझसे अलग मत करो, मत छीनो उसे, मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं है। दादाजी जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, पर यह देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी गलती मान ली। उनकी आत्मा को हो सकता है इससे थोड़ा सा सुकून मिला हो। एक सवाल है आपसे, आखिर आपको उनके किस बात से इतनी तकलीफ थी? उनका जात पात, उनका तवायफ होना या उनका संगीत? अनिमेश की ओर नजरें घुमाकर रुद्र प्रताप ने गुस्से से कहा, उसका तवायफ होना, क्या जवाब देता मैं इस गांव के लोगों को? पुरखों से हमारे खानदान की रीति रिवाजों को बस एक कोठे वाली की वजह से यूं ही बदनामी के गुमनाम अंधेरे में खो जाने देता? रुद्र प्रताप की बातों को सुनकर अनिमेश हैरान हो गया और मायूस होकर बोला, आप झूठा पश्चाताप मत जताओ दादाजी, आप जरा भी दुखी नहीं हो, आज भी आपके मन में चित्रलेखा देवी के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं है। मुझे अब खुद पे शर्म आ रही है ये सोचकर कि मैं आपका पोता हूं, उन्होंने आपके साथ जो भी किया है ना, बहुत सही किया है। अनिमेश को उल्टे पांव वहां से चले जाते हुए देखते रह गए रुद्र प्रताप। आज पहली बार उन्हें अनिमेश में उसके पिता सूर्य प्रताप का रवैया नजर आ रहा था। उनके मुंह से कुछ कड़वी बोल निकल आते हैं, आखिरकार आज तूने मुझसे मेरा पोता भी कुछ हद तक छीन ही लिया चित्रलेखा, जब जिंदा थी तब भी बाप बेटे के बीच इसी तरह दरार पैदा की थी, और आज एक बार फिर इतिहास को दोहरा रही है तू, मनहूस कही कि तुझे इस घर से पहले दिन ही धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, कमीनी औरत। अनिमेश तय कर लेता है कि सुबह के ट्रेन से ही वो रुपेश के साथ शहर के लिए रवाना हो जाएगा। सारी पैकिंग दोनों ने कर ली थी, सुबह के 5 बजे ही स्टेशन पहुंचना था, इसलिए एक ही कमरे में सोने का फैसला किया था रुपेश। रात के करीब 3:30 बजे बिस्तर पे करवट लेते हुए उसे पता चला कि वहां अनिमेश उस कमरे में ही मौजूद नहीं है।
बदहवास होकर रुपेश बाहर आकर इधर उधर देखता है तो उसके जान में जान आती है। अच्छा जनाब, यहाँ हैं आप। स्टेला के साथ कॉल पे इश्क फरमाया जा रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम इसने उससे कांटेक्ट तो की, वरना तो 2 हफ्ते से घुट घुट के मर रहा था बेचारा। मुस्कुराकर सुकून की सांस लेते हुए रुपेश वहां से चला जाता है। अगले दिन दोपहर तक पूरा गांव हवेली के आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। रुपेश की नजरें किसी को दरवाजे पे ढूंढे जा रही थी, जब अचानक से उसे देखा वो उन्हें सीधा दादाजी के पास लेकर गया। रुद्र प्रताप एक झलक उसे देखते हुए बोले, मैंने रुपेश से तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, कल रात तुम्हारी बात हुई थी अनिमेश के साथ। स्टेला रोते हुए सर झुकाकर बोली, जी मैं और अनिमेश कल जब वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे तभी मुझे उनके पीछे एक परछाई सी दिखी, जैसे मैंने अनिमेश को बताया तो वो पलटा और फिर बिना कुछ बोले अचानक चलने लग गया। मैं उसे पुकारती रही, किसी के गाने की आवाज आ रही थी, किसी औरत की सुरीली आवाज, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया, उसने फोन ठीक से पकड़ा भी नहीं था, शायद अपना सर दीवार से पटक रहा था अनिमेश। बहुत रोकने की कोशिश की, कॉल कट हो जाने पर मुझे एक ही बात सूझी, रुपेश को तुरंत कॉल किया पर सब कुछ खत्म हो चुका था। रुद्र प्रताप सब समझ चुके थे, चित्रलेखा अपना बदला पूरा कर चुकी थी, अनिमेश और राजन या उनको ये मौका कभी नहीं मिला कि वो स्टेला के बारे में रुद्र प्रताप को कुछ बता पाते, पर रुपेश ने इस राज से पर्दा उठाया कि अनिमेश ने स्टेला से 1 साल पहले शादी की थी। स्टेला अपने माँ बाप के पास गई हुई थी। अगले कुछ दिनों तक सोच विचार करके रुद्र प्रताप ने स्टेला और उसके होने वाले बच्चे को बड़े प्यार से अपना लिया। इसी तरह उन्होंने चित्रलेखा को अपनी श्रद्धांजलि देना उचित समझा। उसी दिन से चित्रलेखा के साये ने भी शायद रुद्र प्रताप के वंश को उसके श्राप से मुक्त कर दिया था, क्योंकि अब उस ग्रामाफोन से उसकी अतृप्त आत्मा की दर्द भरी दास्तान सुनाई देना बंद हो चुका था। घो स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।